came to save you, you better force it. Artists with the shoddy, I paint a portrait that's pretty. And they say funny, but they nearly struck me too. They must be feeling lucky, spraying in my head that bowl. I'm gonna hit these dummies, get them money for they getting cold. Revenge is coming, take one of us, we'll take out your soul. सो व्हाट्स अप मेरे भाइयों, आप कैसे हो आप सभी। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा कि हम आज बात करने वाले पबजी मोबाइल के न्यू अपडेट के बारे में, 1.3.0 पेज नोट के बारे में। तो आज अपन देखने वाले कि उसमें क्या क्या होने वाला है, कुछ नया गन्स वगैरह ऐड की हुई है, तो सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और जैसे ही अपडेट आता है तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा कि क्या करना है। ठीक है, तो चलो यार देख लेते हैं। तो सबसे पहले निकल के आता है कि अपने यहाँ पे ये वाली लॉबी रहने वाली, जो नया अपडेट आने वाला 9 मार्च को, तो 9 मार्च को जो अपडेट रहने वाला उसमें लॉबी कुछ इस कदर रहेगी। और ये एम्यूजमेंट पार्क जो कि एनिवर्सरी 2 में भी अपन ने देखा था, वो आने वाला है इसके अंदर। और इसके अंदर तो क्या ही गेम्स वगैरह खेल सकते हैं अपन। ये गेम रहेगा जिसमें अपन टाइम पास कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, पूरी की पूरी स्क्वाड के साथ में ये गेम खेल सकते हैं। तो इसमें कुछ बॉक्सेस निकल के आते हैं, उनको अपन को मारना रहता है। ये टाइम पास करने के लिए अच्छा है, अच्छा लग रहा है ओवरऑल। और लूट वूट तो आई थिंक यहाँ पर सॉलिड मिलने वाली, लूट का तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि पहले भी जब एनिवर्सरी 2 आया था तो उस टाइम भी इतनी लूट यहाँ मिलती थी कि अब क्या बताए। और अभी सेकंड है कि इसके अंदर एक नई गन ऐड की है, स्नाइपर राइफल, जिसका नाम है मोजिन नगाड़। इस गन का नाम है, ये बॉल्ट एक्शन स्नाइपर रहने वाली राइफल, या फिर K9 की जैसी रहेगी। 7 का एमओ यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला है इस गन के अंदर, और सिमिलर K9 के जैसा ही इसका डैमेज रहने वाला है। और सेकंड है कि इसके अंदर ट्रेनिंग ग्राउंड, जहां अपन अपनी प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, वहां पे अपने को सेंसिटिविटी सेटिंग में जाकर निकालने का ज़रूरत नहीं है, वहां अपने को डायरेक्ट मिल जाएगा। अगर अपन कोई गन का रिकॉइल कंट्रोल कर रहे हैं या फिर किसी भी गन से अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अपने को सेंसी अप डाउन कुछ करने के लिए जो सेटिंग में जाना पड़ता था, अब वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, अपन डायरेक्ट यहाँ से सेंसिटिविटी चेंज कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात रहने वाली कि यहाँ पर ट्रेनिंग में अपने लिए अच्छा काम हो जाएगा। और एम्यूजमेंट पार्क तो कुछ पहले जैसा ही सिमिलर लग रहा, थोड़ा बहुत चेंज रहेगा, लेकिन एम्यूजमेंट पार्क अपन ने पिछले मतलब एनिवर्सरी पे भी देखा था। तो अभी पबजी का 3rd बर्थडे तो अलग आया है यहाँ पर कुछ। और एक है कि यहाँ पर डैमेज इफेक्ट नया मिलेगा, जैसे येलो, रेड और ग्रीन अपने को पहले मिलता था, अब भी मिलने वाला ब्लू कलर का, जो अपन सेटिंग में जाकर चेंज कर पाएंगे। तो नया डैमेज इफेक्ट और काफ़ी अच्छा ग्लेशियर वाला फील आने वाला है, तो इसके तो मज़े आने वाले भाई डैमेज इफेक्ट का। ये मेरे को बढ़िया सही लगा है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप डैमेज इफेक्ट चेंज करोगे, कौन सा यूज़ करोगे। और एम्यूजमेंट पार्क में जो अपने को उड़ने का वो ऑप्शन रहेगा कि हाँ ऊपर जाके अपन ग्लाइड कर सकते हैं, ये सब आप लोगों ने खेला, आपके लिए नई बात नहीं रहेगी। प्लस अपने को लॉबी में जो म्यूज़िक सीडीज़ का भी ऑप्शन आने वाला कि आप बोर हो रहे हो, दोस्तों के साथ बातें कर रहे हो लॉबी में खड़े खड़े, तो आप म्यूज़िक लगा सकते हो। और सेकेंड है कि लॉबी में अपन प्लेन से बैठने के पहले अपने को मिलेगा पैन, जहाँ पर अपने को सेव टमाटर मिलते थे ना, अभी अपने को पैन और गन भी मिलने वाली प्लेन में बैठने से पहले ही। तो इससे आप किसी को मार तो नहीं पाओगे, लेकिन टाइम पास हो जाएगा। थर्ड अपडेट आता है कि विकंडी को यहाँ पर 17 मार्च से यहाँ पर निकाल दिया जाएगा पबजी मोबाइल के यहाँ पर मैप से। तो ये कतई गलत न्यूज़ है, मेरे को तो बिल्कुल नहीं पसंद, विकंडी बहुत पसंद है, मतलब इसको निकाल देंगे, पता नहीं क्या ये रीज़न था। तो लेट्स सी क्या होता है। अगर आप किसी का कोई मिशंस वगैरह है करना है विकंडी के अंदर, तो आप फटाफट कर लीजिए, 17 मार्च से निकल सकता है, निकल जाएगा, कंफर्म अपडेट है। और यहाँ पर डांस बार भी अपने को मिलने वाला, और 3 जगह अपने को यहाँ पर एम्यूजमेंट पार्क मिलेगा, 3 जगह कहीं भी स्पॉन हो सकता है। तो ये और उसमें अपने को जैसे अभी रूनिक पावर में 3 पावर मिलती थी, वैसे 3 पावर अपने को मिलने वाली है। एक होने वाला हैकर नाइट, एक होने वाला गार्डियन और एक होने वाला सर्वाइवल। तो इसमें भी जैसे अपने को रूनिक पावर में सोना उठा के अपन दीवार वाल बनाते थे, वैसा ही सीन रहने वाला है। अपने को एक म्यूज़िक का कुछ मिलेगा, वो अपने को लेनी है, उसको अपन यूज़ करते ना। तो जैसे हैकर नाइट वाले 1st ऑप्शन को अपन यूज़ करते, तो
उसके अंदर अपने पास मतलब आसपास एक शील्ड बन जाएगी, शील्ड ऐसी कि आसपास में अपने कोई बंदा रहेगा तो अपन उसको मतलब रेड करके स्पॉट कर पाएंगे, और अपन बंदे को मारते हैं तो अपना ऑटोमेटिक 20% HP बढ़ जाएगा। आपको कुछ नहीं लगाना है, आपको सिर्फ वो पावर यूज़ करनी है। और सेकेंड पावर होती है गार्डियन की, गार्डियन में आपको पूरा मतलब एक शील्ड कवर मिल जाएगा, आपको वहाँ पर डैमेज भी कम पड़ेगा, डैमेज मतलब ना के बराबर पड़ेगा, गोलियाँ पड़ेगी तो सही लेकिन ना के बराबर पड़ेगी, और आप इसके अंदर सेफ रह के ओपन में कहीं भी फाइट ले सकते। थर्ड पावर यहाँ पर आ जाती है सर्वाइवर की, सर्वाइवर के अंदर अपन पावर यूज़ करते हैं, आपको एक तो मिल जाएगा गिली सूट, और राइट में मतलब डाउन में आपको पता चल जाएगा कि अगर पास में एनिमी रहता तो रेड सिग्नल आपको मिल जाएगा। तो पहले वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कर सकते हो और एक बार कि आपको इस मोड में कौन सी चीज़ अच्छी लगी, कौन सी चीज़ बुरी लगी, जरूर बताना हमारे को। चलो मिलते हैं। बहुत पसंद लीजिए, बहुत पसंद लीजिए, बहुत पसंद लीजिए पहले बहुत।